गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम हैं पेज 172 पर और पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। कल हमने जाना था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर हम लोग समझ जाते हैं तो हमें जीवन का हर सवालों का जवाब मिल जाता है, मार्गदर्शन मिल जाता है, और उसमें ये बुक भी मदद करती है। जहाँ से पेज खुलेगा उसको आप देखें, उसी में आपको आंसर मिल जाएगा, ऐसा कहती है रोंडा बर्न। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपको आपके जीवन के सारे जवाब दे रहा है, लेकिन आप जवाब तब तक नहीं पा सकते जब तक कि आप जागरूक न बन जाएं, अवेयर न हो जाएं। अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में जागरूक बने, अवेयर बने, क्योंकि हर दिन हर पल आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं, बस उनको पकड़ना है। ये जवाब जिन मार्गों से आते हैं ना, वो असीमित हैं। वे अखबार की सुर्खियों के रूप में भी आ सकते हैं जो कि हमारा ध्यान आकर्षित करती है, या आप यूं ही किसी की बात सुन सकते हैं, या रेडियो पर कोई गाना सुन सकते हैं, उससे भी आपको क्यू मिल सकता है। यह भी हो सकता है कि आसपास के गुजरते ट्रक के पीछे कोई बात लिखी हो जिससे आपके मन में, माइंड में अचानक से कोई प्रेरणा आ जाए, फ्लैश कर जाए, कौंध जाए। याद रखने को याद रखें और जागरूक बने। हर समय याद रखें कि हमें कुछ जवाब अपने सवालों का, मुश्किलों का मिल रहा है, और जागरूक बने, अवेयर बने, प्रेजेंट रहें हर समय। मैंने अपने और दूसरों के जीवन में पाया है कि हम अपने बारे में पूरी तरह अच्छा नहीं सोचते हैं, ऐसा राइटर कह रही है, या खुद से पूरी तरह प्रेम नहीं करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो हम दरअसल अपनी मनचाही चीज़ों को खुद से दूर धकेल रहे हैं, जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। हम चाहे जो चाहते हों, वह प्रेम द्वारा ही प्रेरित होता है, या इन उन चीज़ों के प्रति प्रेम की भावनाएं महसूस करना है, जैसे युवावस्था, धन, आदर्श व्यक्ति, नौकरी, शरीर या सेहत। जिन चीज़ों से भी हम प्रेम करते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें प्रेम भेजना होगा। यानी हम अपने लाइफ में जो भी चीज़ चाहते हैं उसके लिए पहले हमें प्रेम भेजना होगा। कहते हैं ना, जैसा देंगे वैसा मिलेगा। तो अगर जिस जो भी कोई आपकी इच्छा है, जो भी चीज़ से आप प्रेम चाहते हो, पहले प्रेम करें और वे चीज़ें तत्काल प्रकट हो जाएंगी जिनसे आप प्रेम करते हैं। लव योरसेल्फ। पेज यह है कि प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी भेजने के लिए आपको खुद से प्रेम करना होगा, और यह कई लोगों के लिए मुश्किल भी हो सकता है। अगर आप बाहर ध्यान केंद्रित करते हैं और दिखने वाली चीज़ों से बौखला जाते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने बारे में इस समय जो देखते और महसूस करते हैं, जो फील करते हैं, वह आपके अतीत के विचारों का परिणाम है। अतीत के विचारों का जो है वही रिजल्ट है ये। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो इस बात की संभावना है कि आपका वर्तमान स्वरूप दोषपूर्ण होगा। तो अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो आप अपने आप को ही नुकसान कर रहे हैं। खुद से पूरी तरह प्रेम करने के लिए आपको अपने नए पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पीछे जो भी किया ठीक है, अब नए तरीके से कैसे करना है, आपको अपने भीतर की उपस्थित प्रेजेंस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या अच्छा है आपके अंदर, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। एक पल के लिए स्थिर बैठ जाएं, अपने भीतर जीवन की उपस्थिति महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन की उपस्थिति, जीवित हैं और आपके अंदर जो क्वालिटी है उस पर ध्यान केंद्रित करें, जो है आपके पास उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप भीतरी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं ना, तो यह आपके सामने प्रकट होने लगेगी। यह शुद्ध प्रेम तथा आनंद की भावना है और यही आदर्श है। यह उपस्थिति आपका आदर्श स्वरूप है। यह उपस्थिति ही आपका वास्तविक स्वरूप है, और जब आप उस उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं,
तो आप खुद से पूरी तरह प्रेम करने लगेंगे, शायद जिंदगी में पहली बार। हम में से अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। जनरली हम लोग अपने आप को बहुत कोसते हैं, अपने साथ बहुत हार्श होते हैं। मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, पास्ट के बारे में सोचकर। और जब भी आप खुद को दोष दर्द भरी आँखों से देखेंगे ना, तो तत्काल अपना ध्यान भीतरी उपस्थिति और इसके द्वारा प्रकट होने वाले आदर्श स्वरूप की ओर मोड़ लें। जैसा आप चाहते हैं अपने बारे में, उस ओर मोड़ लें। ऐसा करने पर आपके जीवन में प्रकट हुई सारी कमियां दूर हो जाएंगी। इस उपस्थिति की, प्रेजेंस की रोशनी में कमियों का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। चाहे आप आँखों की आदर्श ज्योति हासिल करना चाहें, बीमारी खत्म करके सेहत पाना चाहे, गरीबी को अमीरी में बदलना चाहे, बुढ़ापे की प्रक्रिया को उलटना चाहे, या किसी नकारात्मक चीज़ का समूल विनाश करना चाहे, अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें और उसे प्रेम करें। आदर्श स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। हर समय अपने लिए अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। पूर्ण सच्चाई यह है कि मैं आदर्श और पूर्ण हूँ। आई एम होल एंड कम्प्लीट। वास्तविक में मैं आध्यात्मिक है और इसलिए यह आदर्श से कम नहीं हो सकता। इसमें कोई कमी, सीमा या रोग नहीं हो सकता। ये कथन है चार्ल्स होनेल का। इंसान की बॉडी जब हर 11 महीने में बदल जाती है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, तो फिर डर किस चीज़ का। अपने आप से प्रेम करें, लव करें। और जब ऐसा करते हैं तो हम उन चीज़ों को, अगर हम अपने आप से खुद ही नफरत करते हैं तो दूसरे से कैसे आशा कर सकते हैं कि कोई हमसे प्रेम करेगा। तो सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखें, है ना। और अब जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, ये आपके लिए रहस्य, उसका संक्षेप है, वो पढ़ रहे हैं हम लोग पेज 175 पर। हर चीज़ ऊर्जा है, एनर्जी है, और आप ऊर्जा के चुंबक हैं, मैग्नेट हैं। इसलिए आप विद्युत ऊर्जा द्वारा हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हैं, तो इस कारण से हर चीज़ को हम लोग अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप खुद को विद्युत ऊर्जा से आवेशित करके हर मान चाही चीज़ पाते हैं। आप आध्यात्मिक जीव हैं, आप ऊर्जा हैं, और ऊर्जा को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह बस आकार बदलती है। इसलिए आपका सच्चा स्वरूप हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। ब्रह्मांड विचार से प्रकट होता है। हम न सिर्फ अपनी तकदीर के बल्कि ब्रह्मांड के भी निर्माता हैं। हर चीज़ के निर्माता हम खुद हैं। विचारों की असीमित आपूर्ति आपके लिए उपलब्ध है। समूचा ज्ञान, आविष्कार, खोजें ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में संभावनाओं के रूप में मौजूद है और मानवीय मस्तिष्क द्वारा उन्हें बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। हर चीज आपकी चेतना में है। सब कुछ हमारे माइंड में है, सब कुछ हमारे पास में है, सब कुछ ब्रह्मांड में है, बस वस्तुनिष्ठ होने का इंतज़ार कर रही है। तो अपने विचारों द्वारा इसको एक्टिव करें। हम सभी जुड़े हुए हैं और हम सब एक हैं। इसलिए अगर हम किसी के लिए भी कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं तो बूमरैंग की तरह हमारी तरफ आता है, और जाने अनजाने हम अपने आप को भी बुरा बोल रहे हैं, है ना। अतीत की मुश्किलों, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक धारणाओं को छोड़ दें। जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स है ना, उनको छोड़ दें। आप ही इकलौते व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का शॉर्टकट अपनी मनचाही चीज़ को पूर्ण सच्चाई के रूप में देखना है। यानी जो भी आपकी इच्छा है, ड्रीम है, उसको प्रकट करने का शॉर्टकट क्या है कि उसको ऐसा देखना जैसा कि वो कंप्लीट हो चुकी है, वो आपके पास ऑलरेडी है। ऐसा सोचना, ऐसा विजुअलाइज करना है और ऐसा ही लिखना है।
जो भी चीज़ चाहते हैं जीवन में। आपकी शक्ति आपके विचारों में है, आपके आपका जो पावर है आपके विचारों में है, थॉट्स में है। इसलिए जागरूक बने, अवेयर बने। दूसरे शब्दों में याद रखने को याद रखें, इस बात को याद रखें कि याद रखना है हर समय कि हर चीज़ हमें कुछ क्यों दे रही है, हर चीज़ से हमें कुछ मिल रहा है, सब कुछ हमारे आसपास है, हर समय हमें अवेयरनेस मिल रही है, बस पकड़ना है हमें अवेयर होकर। हर समय हमें ब्रह्मांड जवाब दे रहा है, लेकिन पकड़ना तो खुद को है, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग दिस बुक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।